हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सी एस एफ मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है 2021 सी एस एफ एस आई एल ई सी 2021 का जो है पेपर देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। थोड़ा हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस के लेटर जो है छोटे छोटे आएँ, क्योंकि जब मैं इनको हिंदी फॉर्मेट में कर देता हूँ तो आधे क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश वाले नहीं देखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन छोटे दिखें, तो आप एडजस्ट करिएगा। मैं पूरे क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा। पहला क्वेश्चन है, 5% ऑफ 5% ऑफ 200 इज, इसका मतलब क्या हुआ? 200 का 5% का 5%। तो हम क्या करेंगे, 200 गुड़े 5/100 और गुड़े 5/100, तो 00 से 00 कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 × 5 = 25, दूनी 50, 50/100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2, और 1/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.5, क्या आ जाएगा, 0.5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 35 स्टूडेंट। एक मिनट में देख लेता हूँ साउंड इसका। साउंड ऑन है, हाँ ठीक है, माइक्रोफोन ऑन है, ठीक है। द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 50। इफ वन स्टूडेंट इज लेफ्ट आउट, द एवरेज फॉल्स टू 49 मार्क्स ऑफ दैट स्टूडेंट आर। क्या कह रहा है, एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों द्वारा अर्जित औसत अंक 50 है। यदि एक विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाता है तो अंकों का औसत 49 रह जाता है, उस विद्यार्थी का अंक कितना है। तो हम क्या करेंगे, 35 विद्यार्थियों का कितना है, 50। अगर आप एक विद्यार्थी निकाल देते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी बचेगी, 34, और तब हमारा एवरेज कितना हो जाता है, 49। तो 35 का मल्टीप्लाई 50 में करते हैं हम, 35 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे कितना आ जाएगा, 1750, कितना आ जाएगा, 1750, और 34 का मल्टीप्लाई 49 में करना है, तो 49 का 4 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 196 कुछ है, बचा 19। 49 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 147, 147 में अब हमें कितना जोड़ना है, 19, यानी 166, हमारा कितना आ गया, 1666। 1750 में से 1666 माइनस करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 84 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्प्टी टैंक इज कनेक्टेड विथ पाइप्स ए बी एंड सी, ए एंड बी आर इनलेट पाइप, यानी ए एंड बी जो है भरने वाले हैं, दे फिल द टैंक इन 6 hours and 8 hours रिस्पेक्टिवली, यानी ए जो है 6 hours में फिल करता है, बी 8 hours में भरता है। वाइल सी इज एन आउटलेट पाइप, यानी सी खाली करने वाला है, एंड इट इम्प्टीज द कम्प्लीटली फिल्ड टैंक इन 5 hours, और यह भरे हुए टैंक को 5 घंटे में खाली करता है। फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल बी कम्प्लीटली फिल्ड इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टूगेदर। एक खाली टंकी को पाइप ए बी और सी के साथ जोड़ दिया जाता है, ए और बी आगत पाइप हैं और दोनों पाइप टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भरते हैं, जबकि सी एक निकास पाइप है जो कि पूरी भरी हुई टंकी को 5 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, ए बी सी, ए कितना घंटे में, 6 घंटे में, बी 8 घंटे में, सी 5 घंटे में, तो जो हमारा खाली करने वाला है उसका कार्य क्षमता निगेटिव रहेगी। तो पहले हम 6, 8 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 120। 6 से कितनी बार, 20 बार, 8 से कितनी बार, 15 बार, 5 से कितनी बार भाग जाएगा, 24 बार। लेकिन सी का काम जो है क्या होगा, निगेटिव होगा। अब सी का काम क्या हो जाएगा, देखो निगेटिव हो जाएगा। अब तीनों का मिला के काम क्या हो जाएगा, 20 और 15 और माइनस 24 ऐड करेंगे तो 20 15 35, 35 में माइनस 24 ऐड करेंगे
ऐड करेंगे, घटाएंगे नहीं, इस चीज़ को ध्यान देना आप, ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35 में 11 आ जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। अब हमारा टोटल काम कितना है, 120, इसको किससे भाग दे देंगे, 11 से भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 11 दहिया में 110 और 10 बच जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 सही 10/11 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैं बता दूं हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोज़गार पर, ठीक है, आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से फ्यूचर रोज़गार, तो वहाँ पे अभी आपको दो कोर्स अवेलेबल हैं, CSF ASI LEC 22-23 और 22-23-24, तो इन दोनों कोर्स पे फरवरी तक के लिए आपका ऑफ़र चल रहा है। जो पहला कोर्स है वो आपको जस्ट 599 में, और जो दूसरा कोर्स है आपको 799 में। आप वैलिडिटी का इसमें टेंशन नहीं लेंगे, इस वाले कोर्स से जब भी आप जुड़ेंगे 799 से, आप फ़ोन करके बताएंगे, जब भी 2 साल 3 साल बाद उसका वैलिडिटी भी ख़त्म हो गया तो मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आज ही आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें फ्यूचर रोज़गार। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें 10 sheep एंड 5 goats वेयर बॉट फॉर ₹6,000, यानी कि 10 भेड़ और 5 बकरियां 6,000 में खरीदी गई। इफ़ द एवरेज प्राइस ऑफ ए शीप इज़ 450, यानी एक भेड़ का औसत कीमत ₹450 है, फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ गोट, हमें बकरी का औसत मूल्य बताना है। तो देखिए कितनी भेड़ें हैं, 10 भेड़ें हैं, एक भेड़ का ₹450, तो 10 भेड़ का कितना हो जाएगा, हमारा 4,500 हो जाएगा। अब 6,000 में से हम क्या करेंगे, 6,000 तो दोनों का है, 4,500 माइनस कर देंगे, आ जाएगा कितना, 1,500। अब इस 1,500 को क्या करिए, जितनी बकरियां हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, हम डिवाइड करेंगे, हमें एक बकरी का मूल्य पता चल जाएगा कितना, 300, ऑप्शन डी। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए 30-साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन विल बी, यानी कि 30 भुजाएं वाले उत्तल पॉलीगन में विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या का फार्मूला होता है एन एन माइनस 3/2। तो देखिए एन का वैल्यू क्या है, 30 है, तो 30 और गुणा क्या करेंगे, 30 - 3 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट करेंगे 30 को 15, यानी कि 15 × 27 और बटे 2, 2 तो ख़त्म हो गया, 27 का 15 में गुणा करेंगे, हमारा आंसर क्या जाएगा, 405। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पे आप पाएंगे जैसे इस तरह से जब लिखा रहता है ना, कड़ी में दो, कड़ी में दो, कड़ी में दो, या कुछ भी हो, और फिर आपका क्या हो, ये अनलिमिटेड टाइम तक हो, तो इसका वैल्यू जो होता है, जो ये नंबर दिया रहता है उसके बराबर होता है, ठीक है, यानी इसका वैल्यू 2 के बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता सभी में, तो 3 के बराबर रहता, तो यहाँ पे क्या है, ए है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए कार इज 77 सेंटीमीटर, यानी व्यास कितना है, 77 सेंटीमीटर है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक टू ट्रेवल 121 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसका परिधि निकाल लेंगे, तो व्यास कितना है 77, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 77/2, तो परिधि कितना हो जाएगा, 2πr, यानी 2 × 22/7 × 77/2, तो 7 से कट करेंगे 11, 2 से 2, यानी त्रिज्या कितना आ गया, 22 × 11। अब करें 121 किलोमीटर की यात्रा करने में, तो हम क्या करेंगे, 121 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो 1 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 1,000 मीटर, फिर कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, और नीचे 22 × 11 कर देंगे। अब देखिए 11 से कट करेंगे 11 बार और उसके आगे 1, 2, 3, 4, 5 जीरो, फिर 22 से कट करेंगे 22 × 5 110 और उसके आगे 4 जीरो,
हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50,000। नेक्स्ट, हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक्स, कट करते हैं, 9 एकम 9, फिर 1 4, 9 5 45, 9 5 45, फिर 7 से कट करेंगे, 7 एकम 7, 7 6 42, 7 5 35, फिर 15 से 10 बार और 15 से इसको कट करेंगे 11 बार, 2 और 5 से हमारा 1 कट जाएगा, 8 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 11x आ गया। यहाँ पे भी कुछ बचा है क्या, 1 मिनट, कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे करते हैं हम लोग, सात से कट करते हैं पहले, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 5 69, 7 8 56, 7 5 35। ये हो गया, 9 से कट करेंगे भाई, अब इसको 9 एकम 9, 5 बचा, 9 6 54, 9 5 45, 11 से कट करेंगे, 15 बार कटेगा, 15 से कट करेंगे इसको 10 बार, और 2 और 5 कट जाएगा 10 बार, हमारा क्या बचेगा, एक्स का वैल्यू जो बचेगा वो 8 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4.891 डिवाइडेड बाई 0.134, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी 3 स्थान पर दशमलव, यहाँ पे भी, तो दशमलव हम हटा देंगे, 4891 और डिवाइडेड बाई 134 कर देंगे, तो देखिए किससे कटेगा, 134 से तो एक कटेगा नहीं, तो 4891 पूरी तरह नहीं कटेगा, 134 यहाँ लिखते हैं, 13 बार करते हैं, 3 चौक 12 को 2, 3 चौक 12 को 2, 1 बचा, 3 3 का 9 1 10 को 0, 3 1 3 4, 9 में 2 गया 7 8, फिर 6 बार जाएगा क्या, हाँ जाएगा, ये हो जाएगा 804। तो देखिए 36 दशमलव कितना यहीं पे है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुझे लगता है कि बहुत छोटा दिख रहा होगा प्रिंट, ठीक है, तो एक बार मैं इस वीडियो को 10 क्वेश्चन अपडेट करके यूट्यूब पे देखूंगा कि पढ़ने लायक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं होगा तो मैं इन पूरे क्वेश्चन को फिर से टाइप करा दूंगा, टाइप कराने के बाद जो है फिर से वीडियो इस पर बनाऊँगा। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 12 आवर्स, बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक आफ्टर 3 आवर्स, पाइप ए इज क्लोज्ड, पाइप बी विल फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक इन, तो क्या है हमारा, ए टैंक को कितने घंटे में, 10 घंटे में, बी 12 घंटे में, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे 60, 10 6 60, 12 5 60, दोनों पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो 6 और 5 कर रहे हैं, दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, यानी 6 5 11 11 और 3 घंटे में 11 3 33, 60 में से 33 काम हो गया, तो 60 में से 33 घटा देंगे, बचा हुआ काम 27। अब बी कितने समय में भरेगा शेष काम को, तो 5 से भाग देंगे, बी का 1 घंटे का काम 5, 5 से कट करेंगे, तो 5 5 25 और 2/5, यानी 5 घंटा, और ये 2/5 घंटा को मिनट में बदलेंगे, 60 का गुणा कर देंगे, 5 से 12, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 5 घंटा 24 मिनट। अच्छा 11वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, 1345 बटे 13.145,
यानी यहाँ पे जो तीन स्थान पे दशमलव है ऊपर 1000 का गुणा हो जाएगा, और 13145 13145 से पूरी तरह कट जाएगा, ऊपर जो आप 1000 गुणा किए हैं वही बच जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि ये पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर पढ़ने में नहीं आएगा तो मेरा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको टाइपिंग करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं टाइपिंग करा दूंगा फिर इस पे वीडियो बना दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे कोर्स से ज़रूर जुड़ें। थैंक